बादल क्यों गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। सन्नी देओल की पहली पिक्चर बेताब की ये वाली लाइन आजकल पूरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम की फेवरेट होगी। प्लेयर्स सोच रहे होंगे कि कुछ भी करके ये बारिश जल्दी से चली जाए। लॉकडाउन के बाद इंग्लैंड में क्रिकेट फिर से शुरू हुआ है, लेकिन स्पीड नहीं पकड़ पा रहा। जब भी टीवी खोलो, खराब मौसम और बारिश वाली अपडेट नीचे वाली पट्टी पर चलती रहती है। मैनचेस्टर में कोरोना के बाद लगातार तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है और तीसरे टेस्ट में भी वही बारिश और बादल ने टीमों और फैंस दोनों का मजा किरकिरा कर रखा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट का पहला दिन बारिश और खराब रोशनी की भेंट चढ़ गए। पहले दिन सिर्फ 49 ओवर ही फेंके जा सके और खराब लाइट की वजह से खेल को टाइम से पहले ही टाटा बाय बाय कर दिया गया। बारिश से पहले मैच में ठीक ठाक एक्शन भी हुआ। पाकिस्तान की टीम ने पहले टेस्ट में ही टॉस जीत लिया, सिक्का उछला और अजहर अली ने पहले बैटिंग ले ली। लेकिन भाई साहब, कोविड के बाद के प्रोटोकॉल्स भूल गए और इंग्लिश कप्तान जो रूट से हाथ मिला बैठे। खैर, भूल चुक माफ। पाकिस्तान के ओपनर आबिद अली और शान मसूद बैटिंग के लिए आए। दोनों ने सतर्क शुरुआत की, खासकर शान मसूद तो आज अलग ही माहौल सेट करके आए थे। दोनों बल्लेबाजों ने ब्रॉड, एंडरसन, आर्चर सबको नचाए रखा। शान मसूद तो बखूबी गेंद को पुराना करने में काम में लग भी गए थे। पहले 15 ओवर में इंग्लिश गेंदबाज खिसियाने ही लगे थे कि जोफ्रा आर्चर ने उन्हें एक तसल्ली दे दी। आर्चर ने थोड़े परेशान दिख रहे आबिद अली 16 रन जो बना चुके थे उनकी गिल्लियां उड़ा दी। 36 के स्कोर पर आबिद लौटे और बारिश भी शुरू हो गई। खेल मामूली सरोकार फिर शुरू हुआ तो कप्तान अजहर अली मैदान पर आ गए, लेकिन अजहर की किस्मत बहुत ज्यादा खराब रही। अंदर आती गेंद को मिस कर गए और बॉक्स ने उन्हें खाता खोले बिना ही वापस भेज दिया। ये भाई साहब तो चले गए, लेकिन आप मत जाइए। डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक से प्लेयर स्क्वाड डाउनलोड करिए और इसमें सांप सीढ़ी और लूडो खेलना शुरू कीजिए। इससे आप टाइम पास भी करते हुए लाखों के इनाम जीत सकते हैं। इनाम तो खैर बाबर आजम को भी मिलना चाहिए। लंच से पहले ही 43 के स्कोर पर 2 विकेट जा चुके थे और मैदान पर आए बाबर आजम। बाबर के लिए अक्सर कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के विराट कोहली हैं। बाबर क्रीज पर उतरे और शुरुआत पूरी सतर्कता से करी। टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। 25वें ओवर में जब लंच शुरू हुआ तब तक स्कोर 53 रन हो गया था। बाबर 4 रन जबकि शान मसूद 27 रन बनाकर खेल रहे थे। लंच से पहले मसूद अकेले आधी से ज्यादा गेंदें खेल गए थे। लंच हुआ, खाना पीना खाया गया, वापस आए और पाकिस्तान ने पूरा खेल ही पलट दिया। लंच तक इंग्लिश टीम को लग रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज वाला काम हो जाएगा, लेकिन लंच के बाद बारिश के खेल के बीच इंग्लिश गेंदबाज विकेट के लिए पूरा दिन तरसते रहे। शान मसूद और बाबर आजम ने क्रीज पर ऐसा कोटा गाड़ा कि इसके बाद दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड को तीसरा विकेट नहीं मिला। दोनों ने दिन का खेल खत्म होने तक 96 रनों की पार्टनरशिप कर ली है। बाबर आजम ने लंच के बाद सुपर फास्ट बैटिंग की और अगले 8 ओवर तक लगभग हर ओवर में एक चौका बटोरा। लंच के बाद 41 ओवर तक टीमें खेली, लेकिन फिर ऐसी बारिश शुरू हुई कि घंटों का खेल धुल गया। अधिकारियों ने सोचा टाइम बचाने के लिए चाय का टाइम थोड़ा पहले कर दिया जाए। चाय का टाइम पूरा भी हो गया, लेकिन बारिश नहीं रुकी। रुकी भी कैसे, मैनचेस्टर की बारिश जो है। खैर, दिन का खेल खत्म होने से लगभग 1.5 घंटा पहले बारिश रुकी भी, खेल फिर शुरू हुआ। लेकिन 41.1 ओवर में शुरू हुआ खेल 49वें ओवर में जाकर खराब लाइट की वजह से खत्म हो गया। दिन का खेल जब खत्म हुआ तो पाकिस्तान की टीम खुशी खुशी 2 विकेट खोकर 139 रन बनाकर लौटी। बाबर ने 100 गेंदों में नॉट आउट 69 और मसूद ने 152 गेंदों में नॉट आउट 46 रन बनाए। अब तो बस यही दुआ है कि मैच के बाकी के दिन में बारिश काम खराब ना करे। एक्यूवेदर की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक मैच के बाकी 4 दिन बारिश की संभावना ना के बराबर ही है, लेकिन दुकान पर ग्राहक और मैनचेस्टर में बारिश कब आ जाए किसी को नहीं पता होता। बाकी हम ऐसे ही मैच से जुड़े सभी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं सौरभ, आप देखते रहिए क्रिकेट की बमचक अपने फेवरेट चैनल हीरा लैंड टॉप पर। शुक्रिया।